तो हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब? तो गाइस मैं महेश अच्छा 76 राइडर, हरियाणा का देसी छोरा, तो लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। तो गाइस आज है मेरी बाइक की डिलीवरी होने वाली है अम्मा के शोरूम से, सेक्टर 14 में हूँ फिलहाल मैं भाई। एक्सीडेंट के बाद काफ़ी दिनों बाद ये बाइक देने वाले हैं, तो मैं यहीं पर खड़ा हूँ और बाइक मेरी रेडी हो चुकी है। क्योंकि बाइक में टाइम ज़्यादा लग गया, डेढ़ एक महीना हो गया यार मेरे को बाइक को लिए हुए भी, ना दिए हुए सॉरी शोरूम में यार उन्होंने, अब जाके कहीं यार सब कुछ किया है। तो अभी बाइक हो चुकी है रेडी और आपको मैं पूरी लुक दिखा देता हूँ गाड़ी की भाई मेरी क्या रही है। अब सीधे अब मैं इसको लेके है ना वहाँ पे जाने वाला हूँ, क्या बोलते हैं मॉडिफाई के लिए, अभी सीधी मॉडिफाई के लिए जाएगी। तो ये खड़ी अपनी रानी, तो यहाँ से अभी जाएगी सीधी मॉडिफाई के लिए, तो मैं इसको लेके जाऊँगा भाई सीधा जाएगी। अभी इसमें काम होगा जो भी है सो है, सारा काम होगा भाई। बड़ी प्यारी लग रही है, बहुत दिनों बाद इसको चलाऊँगा तो चलाने में भी काफ़ी मज़ा आने वाला है भाई, दिल खुश है बिल्कुल मेरा सही बताऊँ तो। और चलते हैं पहले इसको फ्यूल अप करवा लेते हैं, फ्यूल डलवाते हैं इसमें और निकलते हैं फिर यहाँ से फटाफट जितना जल्दी हो सके। बारिश का मौसम हो रहा है और बारिश भी आने वाली है, तो थोड़ा बहुत आपको चलाकर भी दिखाऊंगा भाई कैसे क्या चलने में आ रही है, कितना मज़ा आ रहा है चलने में, तो आपको सब कुछ पता ही लग जाएगा। तो मिलते हैं आपको, आप थोड़ा सा हम आगे चला के दिखाएंगे क्या इसमें अलग लग रहा है क्या नहीं है, वो सब कुछ पता लग जाएगा। तो भाई अब इसमें करवा लेते हैं पहले फ्यूल अप बाइक में, 1000 रुपये का डलवा लेते हैं पावर का सीधा ही, और 1000 रुपये का है जी। तो कल के लिए मेरे हिसाब से बहुत रहेगा यार इसमें तेल, 1000 रुपये का भी। ₹740 अब सही लग रही है कि बाइक वैसे है? सर गलती से मिल गया था। तो गाइस 1000 रुपये का हमने इसमें तेल डलवा लिया है एंड हम निकल रहे हैं फटाफट यहाँ से, बैठो। और स्टैंड लग रहा है क्या? तो भाई निकल रहे हैं और अब हम आपको थोड़ा सा आगे चल के रास्ते में दिखाएंगे भाई। बाइक बहुत दिनों बाद चला रहा हूँ तो बड़े मतलब अलग ही लेवल फीलिंग आ रही है मेरे को, तो अजीब सा ही लग रहा है। तो भाई मैं हूँ गाइस फिलहाल हूँ बसई चौक गांव में भाई साहब, बड़ा मज़ा आ रहा है भाई चिल्ला के बाइक को आ जाना, दिल इतना खुश हो रहा है मेरा। मैं सोच रहा हूँ पता नहीं इसको आज उड़ा दूँ, आज इसको मैं सोच रहा हूँ हवा में उड़ सकती है क्या भाई। आप नहीं समझ सकते मेरी फीलिंग, बट जो मैं बता रहा हूँ ना आज भाई इतने दिनों बाद ये हाथ लग गया है, तो बिना भगाए तो मेरे से रुका नहीं जा रहा, और वही मेरी पुरानी वाली हरकत ये रिएक्शंस। ये देखो रिएक्शंस गाइस, हम यहाँ से भी निकल चुके हैं और अभी है ना गाइस थोड़ी देर पहले ही पुलिस वालों ने रुकवा लिया भाई मेरे को ESI हॉस्पिटल के पास, वहाँ पर रुकवा लिया मेरे को और भाई देखने लग गए बाइक को। और देख के उस टाइम पे मेरा कैमरा, पता नहीं ऐसे ही टाइम पे मेरा कैमरा क्यों बंद रहता है, और भाई बोलने लगे मेरे को कि भाई क्या है, फिर उसने देखा पीछे चलो नंबर प्लेट है, तो उसने बोला जा, फिर मैं जब मैंने बोला कि जनाब अभी निकलवा के लाया था, बिल्कुल बोले ठीक है पीछे नंबर प्लेट लग रही है तो जा, मगर ठीक है भाई चलो एग्जॉस्ट के ऊपर उन्होंने कुछ नहीं कहा मेरे को, वरना मैं सोचा भाई ले आज तो कट गया चलान, आज तो लग गया भाई, अभी निकलवाई है एजेंसी से 1.5 महीने में मिली है रात के साथ चलान, पहले ही दुनिया भर का खर्चा हो चुका है, अब इसमें मॉडिफिकेशन का सामान लगेगा सारा, उस पर खर्चा दे खर्चा दे खर्चा, भाई मैं तो खर्चे में कर्जे में ही चला जाऊँगा फिर,
क्यों आप तो वीडियो को देखते हो, शेयर तो करते नहीं हो, पैसे आते नहीं है यूट्यूब से, और फिर भाई मैं क्या करूँ आप बताओ। तो यार कर दिया करो लाइक वाइक शेयर वेयर मार दिया करो। अब इसको जाते हैं सीधा मॉडिफाई करवाते हैं और दिखाएंगे आपको, बाइक गजब बनवा दूंगा, पहले से भी खतरनाक। और एक बात और जो मैं इस पे अवेयर लिखवाऊंगा आई एम बैक, तो आप वाइजर पे लिखवाऊंगा आई एम बैक करके, तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना कि भाई कैसा लगा वो आपको देखकर, वो आपको वीडियो में पता लग जाएगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो मिलते हैं अब आपको हम सीधा आ गई द्वारका चौक। भाई आजकल है ना, मतलब दो तीन दिन पहले से देख रहा हूँ मैं भाई, पुलिस की चेकिंग इतनी हार्ड चल रखी है। अच्छा ज़्यादा जगह जगह पुलिस है यार, जगह जगह रुकवा लेते हैं जगह जगह, क्योंकि भाई कल 26 जनवरी है ना इसलिए। तो भाई 26 जनवरी का व्लॉग आने वाला है अपना ओपनिंग का, सिल्वर प्ले बटन ओपनिंग का। तो भाई उस व्लॉग को आप अपना प्यार दिखाना, सपोर्ट करना जितना हो सके। भाई मेरे क्या चल रही है भाई, ओ भाई साहब अलग लेवल भाई, दिल खुश कर दिया ऐसे तो बताऊं तो, मजे ही आ रहे हैं भगाने में। तो बाइक को बस ऐसा मन कर रहा है खींच तो चला जाऊं, बस खींच लो जितना इसमें से खींच सके ना, ये उतना खींचू इसको मैं साहब। ओह शिट मैन, आराम से गाइस आराम से। दवाई लेकर आया हूँ, दवाई कितनी मिली दवाई कोई बहुत। अरे मेरे ऊपर भी फेंक दिया है और क्या, तेरे में तो घनी लाग गया, पावर लगा दिया बड़ा ये बड़ा ठुक गया। अरे और क्या, बैठ दे इसमें एक बार लग गए सारे की जान लगा दो, देख लो फोटो फोटो खाते फोटो खाते ए यसी इसमें कहने ही ना ठुक गया मामा यार, कैसे प्रॉब्लम है तेरे को सही है, देख ऊपर देख यसी इसमें कहीं ना ठुक गया मामा यार, ऊपर देख ऊपर देख दरवाजे खोले गाइस। अभी हमने अभी खोल रहे हैं ये इसका सब कुछ, तो ये हमने इसका खोल लिया यहाँ से, इसमें हम लगा रहे हैं अब लीवर गार्ड, खुद ही पहली बार ट्राई कर रहे हैं भाई खोल के। तो अभी कौन से वाले बल में था भाई, कुछ भाई अंदाजा नहीं है, शायद इस बल था ये। हाँ तो अब हम इसको यहाँ पर इसको ऐसे कस देंगे नट को, देखते हैं करते हैं कोशिश कसने की। अरे कहाँ गए हो, अरे इसकी एल की कहाँ गई, एल यार रही एल और यार। तो गाइस फाइनली हमने देखो ये बड़ी मशक्कत के बाद ये तो लगा दिए दोनों इसमें लीवर प्रोटेक्टर। अब बारी है भाई इसको खोलने के, कैसे खुलेगा भाई, इससे खोल के और वाइजर और लगाएंगे आज हम खुद ही। पहली बार भाई ऐसी कार सारी कर रहे हैं हम, बड़ी मुश्किलों से हमको चाबी पन्ने मिले हैं इधर उधर से, और हम भाई दोनों लग रहे हैं मैं राहुल। तो हम इसको खोल लेते हैं फटाफट और फिर लगाते हैं और आपको दिखाते हैं लगने के बाद। तो भाई अभी इसका हमने नट बोल्ट तो इसके खोल दिए दोनों और ये इससे हटा दिए देखो भाई के, और राहुल लग रहा है अभी इसमें, मैं खा लेता हूँ इतना खाना और ये रखे अपने सिस्से। तो आज हम इसको खुद को करके देखेंगे कि हम कितना क्या कर सकते हैं दोनों भाई मिलके। तो भाई मजा आ रहा है काफी, और ये देखो इधर सारे सामान फैला पड़ा है भाई। अब मैं पहले खाना खा लेता हूँ और राहुल इतने एक नट खोल देगा सारे, फिर हम लगाएंगे इसमें वाइजर। तो भाई वाइजर खोलने के बाद अभी ऐसा लग रहा है, तो अब हम इसकी ये बबल वाइजर है ब्लैक का, इसे यहाँ पर लगाएंगे। फाइनली मेरी बाइक जो बन के रेडी हो चुकी है पूरी भाई, देखो हमने खुद किया है सारा काम, बट हमने इंडिकेटर नहीं लगे हमसे, तो इंडिकेटर की हमने टाड़ मार दी, तो आगे से कुछ लुका रही है ऐसी, हमने विंगलेट भी सेट कर दी और बाकी आपको कल पता लग जाएगा। और लेफ्ट साहब 76 राइडर
ये मिरर हमने वापस फिट कर दिया, ये लगा दिया है, हमने खोला था बट ये फिट नहीं हो पाया, तो नहीं बनी बात, नहीं आया मजा। तो अब चलते हैं हम सीधा ऊपर और करते हैं आपसे बात। तो गाइस फाइनली सारा काम हो चुका है डन बाइक का, बट इंडिकेटर रह रहे हैं, वो शायद मे भी हो जाए पूरे, अभी मैं कर दूंगा उनको भी पूरे, इंडिकेटर्स को भी लगवा लूंगा कल ही राइड करके। तो अब जाता हूँ मैं सोने के लिए, नींद आ रही है भाई, तो इस व्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर एंड। और सिलर प्ले बटन की जो ओपनिंग का है वो भी व्लॉग जल्दी आने वाला है, तो देखते हैं कब तक आए वो, तो कल राइड करेंगे। कल एक और व्लॉग आएगा धमाकेदार, वो देखना आप, उसमें आपको बाइक की सारी डिटेल्स पता लग जाएंगी, बाइक कैसी क्या लग रही है, बाइक कैसी नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट कर देना, ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तब तक के लिए गाइस टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, लव यू, वंदे मातरम।